कोहिनूर, वो जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। बाद में इस कोहिनूर को शाही ताज में जड़वा दिया गया था, लेकिन भारत में इसे लेकर हमेशा बात होती रही और अब यह हीरा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। नहीं जानते तो ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरे से जड़ा ताज किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला को सौंप दिया गया था, लेकिन अब कैमिला ने इस विवादित ताज को पहनने से इनकार कर दिया है। बकिंगम पैलेस की ओर से इसकी जानकारी भी दे दी गई है। दरअसल इस साल मई में किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक होगा, इसके साथ ही वे आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के राजा की गद्दी को संभालेंगे। इस दौरान कैमिला को इस कोहिनूर से जड़े ताज को पहनना था, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लंबे समय से कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग करता रहा है। ऐसे में अगर कैमिला उस ताज को पहनती तो नया राजनयिक विवाद पैदा हो सकता था, और यही वजह है कि भारत के साथ रिश्ते ना बिगड़े इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉयल फैमिली ने यह फैसला लिया है। कोहिनूर हीरे से जड़ा ताज किंग चार्ल्स की दिवंगत दादी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम बार पहना था। बताया जाता है कि ये कोहिनूर हीरा 105 कैरेट का है, जो दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक है। यह हीरा 14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की एक खदान से मिला था, लेकिन पंजाब पर ब्रिटिशों के कब्जे के बाद 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। अब कैमिला के इस फैसले के बाद उनके लिए क्वीन मैरी का 100 साल पुराना क्राउन तैयार कराया जा रहा है। कैमिला को आधिकारिक तौर पर क्वीन का दर्जा देने के लिए 6 मई को क्वीन कंसोर्ट होगा, इस दौरान वे नया ताज पहनेंगी। खबरों के मुताबिक रॉयल फैमिली ने क्वीन मैरी का क्राउन कैमिला के सिर के हिसाब से रिसाइज कराने के लिए भी भेज दिया है। 75 साल की हो चुकी कैमिला किंग चार्ल्स की दूसरी पत्नी है। प्रिंसेस डायना की मौत के बाद चार्ल्स ने कैमिला से शादी कर ली थी। ताजपोशी के बाद कैमिला के पास किसी तरह की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होगी, हालांकि उनका पद ब्रिटेन की महारानी का ही रहेगा। अब ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार शाही मुकुट यानी द इंपीरियल स्टेट क्राउन की जगह एक पुराने ताज को कुछ बदलावों के साथ फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। इस ताज में क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके कलिन 3, 4 और 5 डायमंड को जोड़ा जाएगा। ये ताज 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और 1911 में पहली बार क्वीन मैरी ने इसे पहना था। भारत काफी लंबे समय से कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग करता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ही एक अकेला देश है जो कोहिनूर हीरे पर दावा करता हो, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी 1947 से इस पर दावा ठोक रहे हैं।